ऐसा दर्शन आपका भारत में बहुत कम जगहों में मिलता है। यहाँ पे देखिए आप सामने, ठीक सामने माँ लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे तिरुपति बालाजी के दर्शन कर रहे हैं आप। और ऊपर का ओर जाएंगे आदित्य भगवान और सूर्य भगवान, गायत्री माता भी है ऊपर। अरे ये तो मालूम ही नहीं था हमें, गायत्री जी। वाह क्या बात है। मम्मी तो कहती कि अभी तक इसको ढक नहीं दिया है, तो हमारा पल्ला ही सरका जा रहा है। हर हर महादेव आप सभी को। और आज हम आपको ना एक ऐसा भव्य और इतना प्यारा मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि दीपावली का समय है तो माँ लक्ष्मी और तिरुपति बालाजी के दर्शन करना तो बनता ही है। तो आइए चलिए चलते हैं। और यार मतलब ये मंदिर देख के ना मतलब अंदर से एक अलग सी खुशी हो रही है। और दीपावली का समय है तो माँ के दर्शन करना, माँ लक्ष्मी के दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए माँ लक्ष्मी और तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद पाते हैं। मैं आपको बता दूँ ये मंदिर मतलब गली के अंदर है, जगमबाड़ी में हम हैं इस समय। और तिरुपति बालाजी और लक्ष्मी जी का क्या भव्य और क्या प्यारा मंदिर बनाया गया है, देख के एकदम मन खुश हो गया मेरा। और चलिए आइए चलते हैं अंदर और माँ के दर्शन कराते हैं आपको, तिरुपति बालाजी के दर्शन कराते हैं। और मैं आपको यहाँ का पता ही बता ही दूंगी, यहाँ पे श्री लक्ष्मी बालाजी का मंदिर, जैसा कि आप ठीक सामने देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है। और बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है, माँ के दर्शन करके तो मेरा मन तृप्त सा हो गया। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं माँ लक्ष्मी के और तिरुपति बालाजी के। क्या बात है, दिल से निकल जा रहा है, क्या बात है। आइए, जय माँ। दर्शन करने आए हैं तो ढक होते हैं सब। मम्मी तो कहती कि अभी तक इसको ढक नहीं दिया है, तो आइए आइए आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं तिरुपति बालाजी के। और वहाँ पे लक्ष्मी जी के दोनों यहाँ पे स्थापित कराए गए हैं। और अभी ये मंदिर आप देख रहे हैं और इतना खूबसूरत और इतना प्यारा, हम लोगों का देख के तो मन इतना खुश हो गया बाहर से। वाकई में बहुत ही प्यारा मंदिर यहाँ पे स्थापित कराया गया है। तो आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देखिए आप सामने, ठीक सामने माँ लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे तिरुपति बालाजी के दर्शन कर रहे हैं आप। और स्वयं पंडित जी यहाँ पे हैं बैठे हुए। तो आइए पूछते हैं पंडित जी से, अगर किसी को पूजा करवानी हो या फिर यहाँ पे आने का रास्ता, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। और हमारी काशी की गलियों में इतने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर है तो दर्शन करना तो बनता ही है। तो पंडित जी यहाँ पे आने का रास्ता बता दें। पांडे हवेली से अंदर जब आएंगे, नवसंघ वाले काली जी का मंदिर है, शिव शिवा काली मंदिर, उसी के बगल में आपने बालाजी मंदिर के नाम पर पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। ये मंदिर का खासियत है कि शिव जी और विष्णु साक्षात एक ही गर्भगृह में यहाँ बैठे हैं। ये कहीं मतलब आपका ऐसा दर्शन आपका भारत में बहुत कम जगहों में मिलता है। और इसमें गणेश जी के साथ कुमार स्वामी, उसका भाई षण्मुखनाथ के साथ जो है माँ भरद्वाज जैसे स्वामी जी जो है स्फटिकलिंग के रूप में विराजमान है, साथ में नंदी जी और बालाजी 5 फुट का मूर्ति के रूप में यहाँ साक्षात खड़े हुए हैं। और साथ साथ महालक्ष्मी जी और महानेहरू श्रीयंत्र जिसको बोला जाता है, श्रीयंत्र भी प्रतिष्ठा किया जाता है, इसको जो है शिव पंचायत क्षेत्र के रूप में और पंचायत क्षेत्र के आराध्य जो है स्थापना किया हुआ जो व्यक्ति जो है जगत गुरु आदि शंकरा जी ऊपर विराजमान है। इस मंदिर में दर्शन करने से सारी देवी देवता के एक एकता दर्शन करने का ये होता है। यहाँ विष्णु जी है, लक्ष्मी जी है, शक्ति है, भगवान शिव है। ऊपर, अरे ये तो मालूम ही नहीं था हमें, मतलब गायत्री जी का। तो यहाँ पे हमारे महादेव भी स्थापित हो तो एक बार हर हर महादेव तो बोलना बनता ही है। हर 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 महादेव, बाबा हमेशा कृपा अपनी बनाए रखना।
आइए चलिए चलते हैं, सूर्य देव के दर्शन कराते हैं ऊपर। और हमें तो पता ही नहीं था इतना भव्य इतना सुंदर मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। तो आइए चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं सूर्य देव के। इतना भव्य मंदिर बना है गलियों के अंदर, ये तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा। और इतना भव्य इतना सुंदर, और आइए आपको पहले दर्शन कराते हैं सूर्य भगवान के। ओम सूर्याय नमः। यहाँ पे अपने साथ रथों पे विराजमान सूर्य देव के आप दर्शन कर रहे हैं। और गलियों में इतने भव्य भव्य मंदिर हैं और दर्शन करना तो आना बनता ही है। मैं तो हर रविवार व्रत भी रखती हूँ सूर्य भगवान का। मैं यहाँ पे दर्शन करके मैं धन्य हो गई, और आज रविवार भी है। वाह, बाबा ने बुला लिया दर्शन करने के लिए, आज बहुत खुशी हो रही है मेरे को। आइए आपको और भी दिखाते हैं, यहाँ पे दर्शन कराते हैं। ये हमारा पल्ला ही सरका जा रहा है। यहाँ पे आप शिखर का दर्शन कर रहे हैं, बालाजी के मंदिर का शिखर का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं भगवान के दर्शन के बाद शिखर का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं पुण्य, आधा पुण्य आपको तभी मिल जाता है जब आप शिखर के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको शिखर के दर्शन हुए, तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। कौन सी माई है पंडित जी? गायत्री जी। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इतना भव्य इतनी प्यारी मूर्ति यहाँ पे आप प्रतिमा देख रहे हैं माई माँ गायत्री की। यहाँ पे माँ गायत्री को स्थापित करवाया गया है, यहाँ पे माता गायत्री को स्थापित कराया गया। और जैसा कि आप भव्य दर्शन पा रहे हैं माँ गायत्री के, और यहाँ पे हमारे शंभू जी भी विराजमान हैं। महादेव महादेव हर हर महादेव। बस दर्शन पा के तो मन तृप्त सा हो गया है। और आज है, जैसा कि आज दीपावली है आप सभी को मालूम है, तो माई के दर्शन करके आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए चलिए चलते हैं अब नीचे। सभी को मैंने दर्शन कराया काशी में वैकुंठ महालक्ष्मी और तिरुपति बालाजी का। और यहाँ पे अम्मा जी देखिए कितनी सुंदर भव्य यहाँ पे रंगोली बना रही हैं और दिए जला रही हैं, क्योंकि आज के दिन कहते हैं जहाँ पे भी अंधेरा हो और देहोड़ियों पे यहाँ पे हम लोग दिए रखते हैं, पंचमुखी दिए रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय दादी जला रही हैं, चौमुखी दिए जलाते हैं, पंचमुखी बोली चौमुखी दिए जलाते हैं चारों दिशाओं के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे बस, और क्या चाहिए। तो यहाँ पे जा रही हैं पूजा करने। तो आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए हर हर महादेव। ये एप्पल हमको मिला है प्रसाद।